ये पलटा इस बिस्किट को मैं खाऊंगा नाश्ते में। कर हम तक पहुंचने वाले आप पहुंच गए। ओ देख कर परछाइयों वाली कठपुतली। मैंने अभी तक अपना नाश्ता भी नहीं किया है। परछाई वाली कठपुतली बच गया भाई, वरना आज तो तेरा हो गया था मरण दिवस। मैं तो बच गया। क्या है ये? मैं नहीं छोड़ूंगा। नींद हराम कर दी बिल्ले ने, चैन से मैं रात को सो भी नहीं सकता। ये क्या है? आग का अंदेशा मिल रहा है दूर से। कहीं आग लगी है बहुत दूर। कप्तान उठ जाओ, आंखें खोलो, हमला करो। जहाज पर चढ़ जाओ और कोई भी बचना नहीं चाहिए, समझे? क्या? अच्छा बिरजू तुम हो क्या, बोलो। उठाने के लिए माफ करना कप्तान, पर छोटे टापू की तरफ से आग की रोशनी दिख रही है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। जरा मुझे देखने दो। देख के लगता है किसी घर में आग लग गई है। ये क्या है? जल्दी से वहां पर पहुंचो, उन दरिंदों को मारकर भगाना है। ठीक है कप्तान। और वहाँ जो भी जिंदा बचे उसे यहाँ लेकर आ जाना। और बिरजू ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई बेशकीमती चीज पीछे ना छूट जाए। जरूर कप्तान। इंसान, तुम्हारा नाम क्या है चबूते? टप्पू। मेरा नाम टप्पू। लगता है वो जंगली दरिंदे तुम्हें बस अपना निवाला बनाने ही वाले थे। किस्मत अच्छी थी जो हमने तुम्हें बचा लिया है। नहीं वो सब मेरे। अरे रुक है? जरा अंदर तो देखने दे। ससुर के पास एक भी सोने का दांत नहीं है। बेचारा समुद्री डाकू। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी टप्पू, यही नाम बताया ना तुमने। मैं आपका एहसान मंद हूँ कैप्टन। अरे ना ना, ये काम तो मेरी बाज की नजर वाले पहरेदार का है जिसने तुम्हारी जान बचाई। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। बोलने वाला तोता, सर में दर्द कर देता है ये। इसे सिखाओ कि ये सिर्फ तुम्हारा सर का है, हमारा नहीं। ठीक है कैप्टन। लो पियो, इसे पीते ही तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। अब मुझे जरा उस टापू के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, कीमती चीज है क्या कोई? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा जहाज उस जगह पर फंस गया था। खुद को जिंदा रखा हुआ है वक्त के भरोसे और कुछ जिंदा रहने की काबिलियत के साथ। इसके लिए माफ करना। देख के लग रहा कि इस तोते ने तुम्हें पीना भी सिखा दिया। ये ठीक तो नहीं है दिलेर, पर क्या करूं, तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। खुद को जिंदा रखा हुआ है, सच में? सुनो, तुम दोनों टप्पू की कहानी का सच सुनना चाहते हो? ओ बिल्कुल, जरूर सुनना चाहते हैं। कम से कम ये तो सुनना ही चाहता है। बस करो, सुन लो मिंकू। वो एक बिल्कुल आम दिन था टप्पू के मेरे टापू पर आने से पहले। जन्नत के किसी आम दिन की तरह हर दिन एक जैसा था। खूबसूरत फिरोजी पानी, नीला आसमान और बहुत सारे मजेदार फल। सुनने में अच्छा लग रहा है ना?